हाय गाइस, तो अभी लव स्टोरी की वीडियो की एडिटिंग ही करने बैठा हूँ। बस ये वाली फाइल अटैच करनी है स्टार्टिंग में। तो हमने कुछ डिफरेंट तरीके से, मतलब ऐसे नहीं कि बोरिंग तरीके से बैठ के लव स्टोरी को बता दिया, हाँ। वैसे नहीं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमने बनाने की ट्राई की है। तो हमारा बॉन्डिंग इस तरह का अभी भी 10 साल के बाद भी ऐसा कैसे है वो आपको पता चलेगा। यस, डू वॉच द वीडियो टिल एंड। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो हम हमारी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि काफी लोगों को मतलब हेल्प चाहिए कि यूट्यूब में किस तरह से आगे बढ़े, या फिर आपने किस तरह से यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया, क्यों शुरू किया, काफी सारे जो सवाल है ना। अगर आप चाहते हो यूट्यूब की जर्नी पे, हमारी यूट्यूब स्ट्रगल पे, यहाँ तक पहुंचने तक के स्ट्रगल पे अगर आप चाहते हो वीडियो, तो हमको जरूर बहुत सारे कॉमेंट्स करना एंड सपोर्ट करना, तो हम उस पर भी कभी भी एक वीडियो बनाने के आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको कैसा लगा लव स्टोरी और तो कमेंट में जरूर बताना, कौन सा पार्ट अच्छा लगा बिल्कुल हमको बोले बिना कमेंट में बताना, लाइक शेयर कमेंट कर देना। और कहीं पे आप लव स्टोरी का खुद से रिलेट करते हो तो हमको जरूर बताना। एंजॉय द वीडियो। हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं अमीन और मैं हूं तो गाइस फाइनली आज हम रिवील करने वाले हमारी लव स्टोरी। तो ये लव स्टोरी में हम बताने वाले, हम मिले उससे पहले हम क्या करते थे, कैसे मिले एंड देन कैसे हमारी लव स्टोरी शुरू हुई है, और कैसे अप्स एंड डाउन्स के बाद हमारी बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप की जो परफेक्शन है वो यहां तक पहुंची जहां पे आज है। तो सबसे पहले अंकिता अपने बारे में बताएगी कि मेरे को मिली, मतलब हम लोग मिले उससे पहले वो क्या करती थी। तो हिरण को मिलने से पहले मैं काफी टीनेज में थी जब मैं हिरण को मिली थी, वैसे बता दूं, एंड आई वाज इनटू माय मॉडलिंग एंड डांसिंग। तो मैं मेरे वर्क में ही ज्यादा होती थी एंड हाँ स्टडी में थोड़ी बहुत होती थी, जो बहुत बुरी बात है, बट हाँ मैं थोड़ी बहुत स्टडी में फोकस होती थी। एंड मैं उस वक्त बॉम्बे में शिफ्टेड थी, मैं बॉम्बे में रह रही थी बिकॉज मैं एज अ कोरियोग्राफर वहां पे वर्क कर रही थी, बिकॉज मैं टीनेज से ही वर्क करना शुरू कर दिया था। मैं कोरियोग्राफी कर रही थी रियलिटी शोज के लिए, फ्रेंड्स वाले सेक्शन में मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। तो मेरे जो भी उस वक्त के जो भी फ्रेंड्स थे उन लोगों के साथ में बाहर हैंग आउट करना, घूमना फिरना, दैट्स इट, यही मेरा रूटीन था। घर पे आती थी, 2-3 महीने में मैं बड़ौदा आती थी एंड देन फिर 1-2 वीक के बाद में वापस बॉम्बे चली जाती, यही मेरा शेड्यूल था। ओह, अंकिता हो गया। एनीवेज, अब कितना बोलती है यार वो। एनीवेज, मैं अब बताता हूँ कि मैं अंकिता को मिलने से पहले क्या करता था। मैं काफ़ी सारी चीज़ें, शॉर्ट फिल्म्स बनाता था, मैंने मूवी डायरेक्शन का कोर्स कर रखा है, एंड ऑल्सो मैं आई वॉज इंटू इंटरनेशनल फैशन एंड ग्लैमर फोटोग्राफी। एंड टेक्निकली देखने जाए तो मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था तब से डांस वगैरह का भी किया हुआ है, मैंने काफ़ी सारे डांस शोज वगैरह किए, तो आई एम अर्निंग सिंस माई अर्ली स्कूल एज। लेकिन अंकिता को जब मिला उसके जस्ट पहले मैं फोटोग्राफी वगैरह का करता था, शॉर्ट फिल्म वगैरह का करता था। मेरे पास एक बहुत बड़ा वाला शो आया था, वो एक बहुत बड़े कोरियोग्राफर का था एंड उनको रिक्वायर थी 5 फोटोग्राफ्स मेरी जो प्रोफेशनली शूट की हुई है, और मेरे पास मैंने किया था, शूट करवाया था, बट वो शूट आप प्रोफेशनल नहीं बोल सकते। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं उस वक्त आ रही थी छुट्टियों में घर पे, मतलब की बरोड आ रही थी, तो मैंने सोचा मेरे को कम बजे ना बॉम्बे में अगर शूट करवाती तो 50-60 हज़ार मेरे चले जाते, तो मैंने सोचा मैं जाती हूँ गुजरात और वहीं पे से किसी को अच्छे फोटोग्राफर को ढूंढती हूँ जो मेरा शूट करके दे सके इंस्टेंटली। मेरा ये सारा वर्क रूटीन चल ही रहा था कि उसके बीच में जैसे काफी सारे मॉडल्स मुझे मैसेज कॉल करती थी, उसके बीच में मुझे आया एक स्ट्रेंजर, एक अननोन लड़की का मैसेज ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पे। मैंने उसको सर्च किया फेसबुक पे, मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने मैसेज ड्रॉप किया, 2-3 उसके मैसेज नहीं आए एंड 3-4 दिन के बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गई बिकॉज मुझे अर्जेंट काम था, मुझे उसको कांटेक्ट करना था, मेरे पास उसका फोन नंबर नहीं, फेसबुक के अलावा कोई कांटेक्ट नहीं था। मैंने उसको फेसबुक में मैसेज किया, आई रियली नीड टू मीट यू अर्जेंटली बिकॉज मुझे शूट उट करना था एंड बहुत सारी चीजें मैंने लिखी, एंड उसने मुझे उसका फोन नंबर दिया और हम लोगों ने मीटिंग फिक्स की बिकॉज वो था अहमदाबाद से, मैं थी बड़ौदा से। तो उसने बोला लेट्स मीट और पहले डिसाइड कर लेते किस तरह का शूट वूट की डिटेल्स है। और उस वक्त मैं अहमदाबाद में पहुंची तो मैंने सोचा चलो हिरण से मिल लेती हूँ, और हम लोगों ने मीटिंग उस दिन सेट की थी। तो फाइनली ये आ रही थी मीटिंग के लिए, इनको रास्ता नहीं पता था, तो मैंने गेट तक गया एंड मैं इशारा किया कि यहाँ तक है, पर मुझे क्या दिखा, मुझे आती हुई दिखी एक कार जिसने आके मिट्टी में स्किट मार के खड़ी रखी, एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन बस क्या है ये, मतलब मेरी कजिन को देख के बोला ये भगवान, अंदर गए हम लोग। एनीवेज उसके बाद मीटिंग वगैरह हुई एंड देन मैंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन जो था वो थोड़ा सा नॉट सो गुड इंप्रेशन था, नॉट बिकॉज ऑफ अंकिता, बट जिस तरह से जो गाड़ी चला रहा था, जो भी चला रहा था, आई डोंट नो, बट या उस वजह से। तो उसके उसके बाद मीटिंग वीटिंग खत्म हुई एंड काफी
ऑब्वियसली प्रोफेशनल मीटिंग थी तो ज्यादा कुछ सोचना या एनालाइज करने जैसा कुछ था नहीं। तो मैं अहमदाबाद में ही थी, मेरी मीटिंग हो गई। मीटिंग के निकलने के बाद मुझे काफी प्रोफेशनल लगा, बिकॉज उस वक्त उसका स्टूडियो था और मैं उसको स्टूडियो पे ही मिलने गई थी और मैंने उसका वर्क देखा था। उसका वर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा था एंड मुझे लगा था कि हाँ, गुजरात में काफी प्रोफेशनल अगर करना है तो ये बंदा सही है। तो मैंने डिसाइड किया कि ओके, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक के बीच में, नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट मंथ के अंदर जब भी टाइम सेट होता है मुझे बंदे के सामने फोटोशूट करवाना है। मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी थी फोटोग्राफ, जो मुझे लगा कि हिरन परफेक्टली कर सकता है। तो मीटिंग खत्म ही एंड देन मुझे देनी थी अंकिता को शूट डेट, लेकिन मैं भूल गया कि ऐसा कुछ शूट मुझे करना था, बिकॉज मेरा शेड्यूल बहुत टफ था। काफी बार ऐसा होता था कि शूट्स मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। सो फाइनली मैंने इतना वेट किया एंड देन अगेन मैंने उसको मैसेज किया कि प्लीज आप मुझे बता सकते हो कि कब शूट करना है, क्योंकि उस वक्त हिरण को आपा बोलती थी कि आप मुझे बता सकते हो कब शूट करना है, आई रियली नीड टू शूट विथ यू। एंड फिर हम लोगों ने डिसाइड करा एक डेट, एंड उस दिन मैं, उस वक्त भी ऐसा हुआ कि हमने डेट डिसाइड की थी 1 वीक पहले और मैं चली गई थी बॉम्बे अगेन। उसने स्पेशली फिर प्लान किया कि चलो यार मैं मुंबई से आ जाऊंगी शूट के लिए, बट उस वक्त उसने मुझे बताया नहीं था ये बात कि वो मुंबई से आ रही है, पर उसने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो देन हम पहले शूट पे मिले, या पहले शूट पे, एंड एक सेकेंड गाइस, मिल तो गए हैं, लेकिन पहले अंकिता बताएगी कि पूरे दिन का उसका शूट का एक्सपीरियंस कैसा था, फिर मैं बताएगा उसके बाद बताएंगे शूट के बाद क्या हुआ। मैं पहुंची एंड फिर हमारा शूट शुरू हुआ। हिरण बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल था और मैं ऐसा प्रोफेशनल शूट फर्स्ट टाइम कर रही थी, मेरे आइडिया थी नहीं, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह से शूट किया जाता है, मेरे को बिल्कुल कुछ भी तरह की कोई भी आइडिया ही नहीं थी। मेरा मेकअप हुआ एंड स्टाइलिश मुझे अच्छे से स्टाइल किया और मुझे पोजेस दिखाया और हिरण ने बोला अब शुरू करो। अब वो स्टाइलिश कर रही थी और मैं, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ रहा था और धीरे धीरे दिन बढ़ता गया। आउटडोर शूट था, धूप थी, हिरण जो चाह रहा था वो उसको मिल नहीं पा रहा था और मैं मेरा 100% नहीं दे पा रही थी। हिरण थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। दोपहर के बाद हम इंडोर शूट कर रहे थे एंड तब हुआ असली चीज शुरुआत। हिरण मुझे बोल रहा था ऐसा कर और मैं टोटली उसका ऑपोजिट बोल रही थी कि नहीं, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो करूंगी। एंड धीरे 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 हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं आने लगे, बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। मैं यहां से बताता हूं गाइस, तो हुआ था ये कि रेगुलर शूट्स करने के बावजूद, मतलब पूरा दिन जब निकला और मैं समझ सकता हूँ, उस वक्त नहीं समझ पाया, पर हाँ मैं समझ सकता हूँ कि शी वॉज नॉट सो कम्फर्टेबल ना, मेरा एक लिमिट आ गया था। उसके बाद मैंने सोचा एक काम करो, मेरे ना कुछ पोजेज हैं जब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई यार नहीं आ रहा है, शूट नहीं हो पा रहा है, तो कुछ पोजेज है जिसमें क्लिक करो किसी का भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है, नॉट आगे मत कर, मेरा चल रहा है अभी। तो मैंने वो पोजेस करवाए, मैंने गुस्से में ना लिटरली स्टाइलिस्ट को बोल दिया और अंकिता से मैं बात करना बंद कर दिया बिल्कुल भी, मैं मॉडल से बात करनी, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ ही नहीं पा रही, समझ रही है तो वो फॉलो नहीं कर रही है, तो मॉडल से बात करने का मतलब नहीं। मैं स्टाइलिस्ट को बोला इसको जो पोज करवाना करवा, वहां पे जो कपड़े पहनाने पहना, वहां पे पोज करवा दे, मैं क्लिक कर रहा है शूट खत्म कर। एंड देन फाइनली मुझे ऐसा लगा हाँ शूट खत्म हुआ। अच्छा फाइनली शूट खत्म हुआ, मैं बताती हूँ गाइस, फाइनली मैं खुश हो गई कि शूट खत्म हो गया, ऐसे घटिया इंसान से मुझे मिलना नहीं पड़ा। और इसको तो मुझे लग रहा है डेस्परेशन कुछ और ही था, क्यों था ये भी बता दे। हिरण मेरे साथ ना बहुत रूडली बिहेव कर रहा था, बहुत रूडली बात कर रहा था एंड शूट खत्म हुआ, जैसे लास्ट डे खत्म हुआ, हिरण उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी उस वक्त। एक सेकेंड गाइस, ये तो हमने बताया नहीं ना, मतलब मैंने नहीं बताया ना अंकिता ने बताया, पर यस जब अंकिता मुझे मिली थी और अंकिता मतलब जब फर्स्ट टाइम मीटिंग करने आई थी एंड जब फर्स्ट शूट हुआ था, उस वक्त मेरी कोई और गर्लफ्रेंड थी, मतलब माय करंट एक्स थी। तो वो भाई साहब पूरे वक्त आधे से ज्यादा मुझे लग रहा था इसका टाइम है ना उधर ही हुआ था, उसके साथ साथ वही था, ठीक है। ये झूठ है गाइस, मैं झूठ है, मैं कभी भी वर्क के वक्त ऐसा डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं हुआ। और हाँ मेन चीज, इतना मुझे बुरा फील हुआ कि जैसे शूट खत्म हुआ, मैंने मेकअप नहीं निकाला था, मैंने मेरे कपड़ों को पैक नहीं किया था उसके पहले, अभी भी मुझे वो लाइन याद है जो हिरण ने उसके कजिन को बोली थी। उस वक्त उसका कजिन हमारे साथ क्या बोली, हिरण के साथ उस वक्त काम करता था, तो उसको बोला ये लड़की, हाँ ऐसा बोला था ये लड़के ने कि ये लड़की जब निकल जाए तो स्टूडियो में लॉक मार देना एंड तू भी
निकल जाना। मेरे को मेरा एक फ्रेंड था वो पिकअप करने आने वाला था और वो मुझे फिर ड्रॉप करने वाला था स्टेशन पे। हिरण ने मुझे ऐसा बोला, मैंने बोला ये लड़का लड़की की इज्जत नहीं करा, ये कितना दोगला घटिया इंसान है। एंड मुझे अभी भी याद है वो उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर के मुंह ही देखने गया था। और नौटंकी मत कर चल। तो गाइस कुछ नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो इतना ही था कि मेरा हो गया शूट खत्म, बहुत ओवर टाइम चला गया था शूट, दिमाग फ्रस्ट्रेट हो गया था, गुस्से में था, क्योंकि मेरा जब वर्क बिगड़ता है ना मेरा दिमाग फट जाता है, और जो हुआ था इसकी वजह से। एनीवेज अपने उसको नहीं दिखाएंगे फिलहाल। ओके नहीं 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 रुक जा, ओके फाइन मत कर। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार इसका फ्रेंड आएगा तब तक मैं वेट करूं, मेरा मूवी का टाइम चला जाएगा। मैंने बुकिंग कर ली थी अपने हिसाब से, मुझे पता था अंदाजे से मेरा दोपहर तक काम खत्म हो जाएगा, जो नहीं हुआ और मेरी बुकिंग ऑलरेडी डन थी। तो मैंने किसी इंसान को एटलीस्ट रखा तो सही वहां पे कि भाई ये लड़की चली जाए तो स्टूडियो लॉक करके चले जाना, क्योंकि इसका तो फ्रेंड आ रहा था लेने के लिए, तो मैं ही वहां पे क्या करेगा। बस तो ये था हमारी पहली मीटिंग। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 6-7 महीने के बाद ना अंकिता का कॉल आया मेरे पे, और पहले तो मैं सोचा मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये कॉल आया है फोटोग्राफ्स मांगने के लिए। और मैंने फोन उठाया तो अंकिता ने बोला मुझे मेरी फोटोग्राफ कब तक मिल सकती है, बिकॉज वो बात अलग है कि मैंने हिरेन को पेमेंट नहीं किया था ना उसने मुझसे मांगा था, बट मुझे फोटोग्राफ तो चाहिए थी, वही तो मैं करवाने गई थी। एंड जो हम लोग का इंसिडेंट हुआ था फर्स्ट शूट पे, हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद मेरे को इच्छा भी नहीं हुई थी, मैं मेरे काम में बिजी हो गई थी, मेरे वर्क में बिजी हो गई थी, और हिरेन से मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था। बट फिर मैंने हिरेन को कॉल किया, उसने बोला कि ओके फाइन मैं करता हूँ। उस वक्त मैं फ्री बैठा था, अभी जैसे मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ वैसे उस वक्त मैं कंप्यूटर पे काम ही कर रहा था, एंड मैंने सोचा चलो यार इसको फोटोग्राफ क्लिक करके भेज देते, वरना ये बार बार यही चीज के लिए कॉल करती रहेगी, बार बार दिमाग खराब होता रहेगा। तो जनरली मुझे उस वक्त लगता था 1-1.5 घंटा एक फोटोग्राफ को अच्छी तरह से एडिट करने में, पर मैंने 1 घंटे के अंदर इसके सारे फोटोग्राफ एडिट करके इसको ईमेल कर दिए और व्हाट्सएप भी कर दिए, जिसके बाद अंकिता का रिएक्शन था मैं फोटोग्राफ देख के इतनी सुपर डुपर वाली हैप्पी हुई और मैं इतनी खुश हो गई। मैंने हिरेन को कॉल किया और मैंने बोला कि सुपर फोटोग्राफ्स आई है, आई एम वेरी हैप्पी। तो हिरेन ने मुझे बोला कि आई एम नॉट हैप्पी विद द वर्क, बिकॉज मैं जनरली एक फोटो एडिट करने में 1-1.5 घंटे लगता है मुझे, और मैंने तेरी सारी फोटोग्राफ्स 1-1.5 घंटे में की है, तो आई डोंट नीड पेमेंट, बिकॉज मैंने भी मेरा 100% नहीं दिया और शूट में भी इतना मजा नहीं आया था, इस तरह से हिरेन ने बात की थी। बट स्टिल आई एम हैप्पी विथ माई फोटोग्राफ, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी, और मैंने उसको फोन पे बात करने के बाद भी मैसेज किया था थैंक यू सो मच एंड आई रियली लव द फोटोग्राफ। बस तो उसके बाद क्या हुआ, हमारी थोड़ी कन्वर्सेशन होने लगी व्हाट्सएप पे, बात मतलब करते रहे हम लोग, और वैसे भी मैं हो गया था सिंगल, तो मेरा ना एक्सपीरियंस जो था ब्रेकअप वाला, वो पर्टिकुलर ये वाला ब्रेकअप ना मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा था, मतलब शॉकिंग था, बहुत ही ज़्यादा अजीब था, एंड इट वाज मतलब नॉट शेयरेबल, मतलब कुछ ज़्यादा ही वियर्ड ब्रेकअप था मेरा, एंड आई हैड लॉस्ट ऑल द ट्रस्ट इन गर्ल्स रिलेशनशिप कमिटमेंट, ये सब मैंने बोला भाड़ में गया, एंड इससे तो बेटर प्लेबॉय रहो, जलसे करो, घूमो फिरो एंड बस टाइम पास वगैरह करो, एंड यही मतलब। तो या आई वॉज लाइक काइंड ऑफ, मतलब मैं मैसेजेस में बात कर रहा था और धीरे धीरे मैसेजेस पे बात करते करते वो मैसेजेस फ्लर्टी होने लगे धीरे धीरे, एंड मुझे उसका क्या रिप्लाई देना चाहिए मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो उस वक्त मैं बॉम्बे में थी, तो मैंने मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग रिहर्सल हॉल पे बैठे हुए थे, मेरी फ्रेंड थी, मैंने उसको बोला यार ये बंदा मेरे को अच्छा लगता है बात बात करना, बट ये इस तरह के मैसेज देता है, मुझे इसका रिप्लाई क्या देना चाहिए मुझे नहीं पता। तो उसने बोला ला मैं बात करती हूँ, एंड हिरेन मैसेज देता था वो रिप्लाई देती थी, वो मैसेज देता रिप्लाई मैं देती, ऐसे नॉर्मल मैसेज मैं करती थी, एंड जैसे थोड़ा बहुत फ्लर्ट वाले मैसेज की शुरुआत होती थी तो मैं मेरे फ्रेंड को ढूंढती थी कहाँ है प्लीज इसको रिप्लाई दे। एंड बाय चांस वो उस दिन नहीं आई हुई हो रिहर्सल हॉल पे, तो मैं हिरेन के मैसेज उसको फॉरवर्ड करती थी, वो लिख के भेजती थी उसका मैसेज मैं हिरेन को फॉरवर्ड करती, और ये काफी लंबे टाइम तक चला था। एंड जब मेरा और हिरेन का रिलेशनशिप शुरू हुआ ना, उसके काफी वक्त के बाद मैंने हिरेन को ये रात बताया कि जो भी फ्लर्ट वाले मैसेज थे ना वो मैंने रिप्लाई नहीं किए थे, मेरी एक फ्रेंड थी उसने किए थे। हिरेन शॉक हुआ और हिरेन बोला तो फिर लॉजिकली मुझे उसको डेट करना चाहिए तुझे नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ा वाला सीक्रेट था जो आपको और हिरेन को मैंने काफी वक्त के बाद बताया था। बट या हम लोगों ने बहुत लंबे कन्वर्सेशन किया था मैसेज पे ही, और वो बहुत ही बहुत बेस्ट वाले टाइम था। अब प्रॉब्लम ये थी इसके बाद के हम बात तो कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, फोन कॉल्स नॉट सो मच, मतलब ऑलमोस्ट जीरो फोन कॉल्स, आप समझ सकते हो कभी कभार बीच में बात की हो जब वो बड़ौदा में हो या पता नहीं जब मैं फ्री हूँ या वो फ्री हो, मतलब मुश्किल से बात होती थी हमारे फोन पे, लेकिन
उसके बाद अब आगे क्या, अब आगे में ये था कि मिलने का तो कोई बहाना था नहीं, अलग अलग सिटी में रहते थे एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नहीं बोल सकते, रिलेशनशिप नहीं था, रिलेशनशिप छोड़ो दोस्ती जैसा भी नहीं था, इट वॉज जस्ट हैविंग कन्वर्सेशन। तो उसके बाद एक दिन अचानक मैंने हिरण को बोला कि मुझे करना है सेकंड शूट, बिकॉज फर्स्ट वाले फोटोग्राफ मुझे अच्छे लगे थे, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था तो मैं मेरा 100% नहीं दे पाई थी, तो लेट्स डू सेकंड शूट, उसमें मैं ज्यादा बेटर कर पाऊंगी। एंड उस वक्त हिरण का भी माइंड अलग था सेट, मेरा माइंड भी अलग सेट था, तो इस बहाने हम लोगों ने सेकेंड शूट काइंड ऑफ मीटिंग एडजस्ट किया, हमने फिक्स किया। एंड इस शूट में अंकिता को ज्यादा ना डेट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने जल्दी वाली डेट अंकिता को दे दी थी। एंड उस वक्त एक्चुअली मेरा कुछ काम चल ही रहा था जिस दिन अंकिता आई थी, अंकिता बड़ौदा से स्पेशली आई। एंड जैसे ही मतलब आई ना, आई वॉज वेटिंग फॉर हर, जैसे फर्स्ट शूट में ये था कि अंकिता को मैंने बुला लिया था कि तुझे यहाँ पे पहुंचना है, सेकंड शूट में मैंने उसको बोला था वहां तक मैं तेरे को पिक करने आऊंगा। मैं गई थी बाय बस, तो मैं बस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ और मैं जब पहली बार हिरण को मिली थी तब उसके पास अलग कार थी एंड मैं वो कार ढूंढ रही हूँ बाहर के, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं उसको फोन पे कर रही हूँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा और हिरण बोल रहा मैं सामने तो खड़ा हूँ, वो भी मुझे बताना भूल गया था कि उसने कार चेंज कर ली है और उसकी नंबर प्लेट भी नहीं आई थी। फिर उसने बोला अरे गोल्डन कार दिखाई नहीं दे रही, मतलब वेट अ मिनट गोल्डन कार तेरी तो 820 थी, तो उससे बोला नहीं गोल्डन वरना मैं भी तेको बताना भूल गया कि मैंने नई कार ले ली है, तो वो गाड़ी है। एंड हम सामने ही खड़े थे पास में और मैं ढूंढ नहीं पाई और फिर मैं उसकी गाड़ी में जाके बैठी एंड फर्स्ट टाइम मीटिंग थी, हम लोग एक दूसरे को नफरत करते थे एंड सेकेंड मीटिंग हमारी टोटली डिफरेंट थी, हम एक दूसरे को देख के खुश हो रहे थे और बहुत हैप्पी थे और एक अलग सा ही एटमोसफेयर था, पता नहीं क्या था बट बहुत डिफरेंट था वो। तो बस मैंने अंकिता को वहां से पिक किया, स्टूडियो पे गए, स्टूडियो पे मेरा ऑलरेडी एक काम चल रहा था जो अंकिता को थोड़ा वेट करना पड़ा, पर अंकिता ना पहली बार जैसे शर्मा रही थी और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट थी, अंकिता अभी भी इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा है फॉर स्ट्रेंजर्स, बट अंकिता ने थोड़ी देर के बाद सामने से बोली कि तेरा काम खत्म होने वाला भी है या नहीं, तो आई वॉज लाइक ओके, तो मैंने वो वाला काम बंद किया एंड देन अंकिता के शूट पे गए। बट सच बोलूं तो वो मुझे ना शूट वाला नहीं, टेक्निकली हमने एक वर्क पिकनिक की हो ना उस दिन, ऐसा लगा क्योंकि हमने घर का खाना खाया, काफी सारी बातें की एंड मस्ती मजा की, पूरी टीम थी मेरी वहां पे, स्टाइलिश नहीं थी उस वक्त, स्टाइलिश का कुछ इश्यू हो गया था तो स्टाइलिश नहीं थी, मेकअप आर्टिस्ट थी जिसके साथ मैं सालों से काम करता था, तो उसके बाद अंकिता को भी पहचानते हो गए उस दिन से एंड वी हैड अ ब्लास्ट। मेरे ख्याल से मेकअप आर्टिस्ट ने भी मुझे बोला था अरे हिरण भाई पहली बार ऐसे अनप्रोफेशनल काम करते हुए देख रही हूँ, कुछ गड़बड़ है क्या, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं था उस वक्त। तो या इट वाज अ ग्रेट डे एंड उसके बाद हो गई रात, मतलब बहुत लेट हो गया था, वर्क कम किया, बातें ज्यादा की, तो लेट तक काम चला था और उसके बाद क्या हुआ, इतना लेट हो गया था कि लास्ट जो बस अहमदाबाद से बड़ौदा जाने वाली थी उसके लिए सिर्फ 15 मिनट की देर थी, तो मैंने हिरण को बोला कि प्लीज जल्दी कर एंड मुझे टाइम पे बस स्टॉप पे पहुंचा दे, नहीं तो मेरी बस निकल जाएगी एंड देन मुझे सुबह तक वेट करना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे बॉम्बे के लिए निकलना था मॉर्निंग में। अंकिता बहुत जल्दबाजी कर रही थी यार, जल्दी करिए वो वगैरह वगैरह, फिर मैंने अंकिता को बोला एक काम कर मैं ही तुझे ड्रॉप करने आ रहा हूँ बड़ौदा तक, एंड लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा किसी को बोला हुआ कि मैं किसी को ड्रॉप करने जा रहा हूँ और वो भी आउट स्टेशन 150 किलोमीटर के आसपास तक, तो उसमें अंकिता का क्या रिएक्शन था, आई वाज शॉक्ड कि ये बंदा वही है जो पहले शूट में मुझे ऐसा छोड़ के चला गया था और आज मुझे बोल रहा है कि चल मैं ड्रॉप कर देता हूँ, बिकॉज उसके मेरे शूट के भी 2 दिन पहले हिरण का शूट चल रहा था तो वो बिल्कुल सोया नहीं था एंड उसने बोला आई फील, मैंने उसको बोला नहीं नहीं मैं कुछ कर लेती हूँ, मैं किसी को बुला लेती हूँ, बट उसने बोला नहीं नहीं प्लीज मुझे आने दे मुझे अच्छा लगेगा। एंड गाइस वो ड्राइव हम लोगों की, मतलब मेरी तो मुझे 100% पता है और मुझे इतना भी पता है कि हिरण के लिए भी बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि वो ड्राइव पे हम एक दूसरे को देख रहे थे बिना बोले भी बहुत सारी चीजें समझ रहे थे एंड मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट था वो ड्राइव, अभी भी याद करते हो ना तो मुझे सारी मेमोरीज मेरे सामने से पिक्चर की सीन की तरह गुजरती है। हमारे साथ में हिरण का कजिन भी पीछे बैठा हुआ था तो ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही थी, लेकिन हाँ हिरण सॉन्ग बजा रहा था और मुझे देख रहा था, मुझे पता था वो सारे सॉन्ग मेरे लिए प्ले हो रहे हैं, क्या बोलू उस रात के लिए तो पूरी वीडियो कर सकती हूँ, इतनी सारी चीजें हुई थी। और मेरी तरफ की बात करो ना तो गाइस पूरी ड्राइव में मैंने सिर्फ 2 ही चीजें नोटिस की फिजिकली, जो कि अंकिता की आंखें और उसकी स्माइल, और जिस तरह से वो थोड़ा सा शर्मा के देखना या बात करना होता है ना वो, और एक और चीज इनोसेंस, क्योंकि पूरा दिन मैंने उसको जाना पहचाना और उसकी जो इनोसेंस और जो भोलापन होता है ना, दिल से साफ वाला इंसान जो होता है वो
दिख रहा था, फील हो रहा था, वो एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी वहां पे. तो दैट ड्राइव वाज समथिंग के मैं जब वहां पे पहुंच गया तो मुझे ना ऐसा लगा कि सच में कुछ ऐसे. मैं बहुत लंबे वेकेशन के बाद जब वापस हॉस्टल जाता था, पेरेंट्स ड्रॉप करके जाते थे, वैसी फीलिंग आ रही थी कि यार मुझे नहीं जाना है. मैं ड्रॉप तो कर रहा हूँ पर मुझे वापस जाने का मन नहीं कर रहा था. और जैसे जैसे मुझे दिख रहा था ना इतने किलोमीटर नजदीक आ रहे थे, मैं सोच रही थी प्लीज क्यों ये रास्ता खत्म नहीं होना चाहिए, लंबा चलता ही रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए. फिर हिरेन ने मुझे ड्रॉप किया और मेरे को पता था कि हिरेन चाह रहा था कि मैं उसको बोलूं रुक जा मॉर्निंग में चला जाना, बट मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था. बट मैं समझ पा रही थी कि उसको नहीं जाना है छोड़ करके. एंड मेरी जो फर्स्ट मीटिंग की जो भी सोच थी ना हिरेन के लिए, सेकंड मीटिंग में वो टोटली चेंज हो गया. मैंने बोला यार ये बंदा बहुत सही है और दिल का बहुत अच्छा है. उसके बाद काफी सारी हमारी बातें तो रेगुलरली होती रही, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मेरी स्टाइलिस्ट का कुछ इशू हो गया था, तो स्टाइलिस्ट उस वक्त मेरे पास थी नहीं. तो जनरली मैंने अंकिता से बात किया, मतलब उसने पूछा होगा क्या कर रहा है क्या नहीं, तो शूट की कुछ बातें निकली. मैंने बोला स्टाइलिस्ट नहीं है तो मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ. तो अंकिता ने बोला कि स्टाइलिस्ट का काम मैं, मतलब तू चाहे तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं अच्छा कर लेती हूँ. तो मैंने बोला कि पर तू उसके लिए स्पेशली बड़ौदा से थोड़ी ना शूट के लिए आ गया, हमारे तो शूट रेगुलरली होते हैं. तो अंकिता ने बोला इसमें क्या हुआ, मेरे को अच्छा लगेगा, मैं आऊँगी. तो मैंने उसको स्टाइलिस्ट के वर्क के लिए मैंने बोला ठीक है तो आ जा. तो फिर धीरे धीरे हिरेन के शूट पे मैं जाने लगी. जब फर्स्ट शूट मैंने हिरेन का एज अ स्टाइलिस्ट काम किया तो हिरेन को मेरा पोजिंग एंड जिस तरह से मैंने ड्रेसिंग करवाया था मॉडल को बहुत अच्छा लगा. तो हिरेन के साथ में मैंने बहुत सारे शूट्स किए और जैसे जैसे शूट्स करते रहे हम दोनों एक दूसरे के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करते रहे, एक दूसरे के बारे में ज्यादा पता चली और हम दोनों का जो बॉन्ड है ना एक दूसरे के बारे में जानने का वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता गया. तो टेक्निकली ये बोल सकते हैं कि हम दोनों की मेंटली दोस्ती अच्छी शुरुआत हो गई. मतलब वो होता है ना कि मेरी सबसे ज्यादा बनती थी मेरे टीम वालों के साथ जो हमारे साथ रेगुलर काम करते हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर काम करते हैं, हर रोज मिलते हैं. तो एक वो है, एक स्पेशल बॉन्डिंग बन गई. और मेरी ही नहीं, मेरे कजिन या जितने भी टीम मेंबर्स थे, मेकअप आर्टिस्ट थे, सबके साथ ही अंकिता की बहुत अच्छी पड़ गई. और जैसा कि मैंने बोला अंकिता को ना किसी के साथ भी थोड़ा सा मेंटली खुलने में टाइम लगता है. तो एक फैमिली बन गई थी, मतलब वो एक टीम फैमिली बन गई थी हम लोगों के बीच में. उसके बाद क्या हुआ, मैं कुछ बहाने से, क्योंकि मेरी नानी भी बड़ौदा में रहती है, तो मैं कुछ बहाने से दूसरे दिन गया बड़ौदा. एंड अंकिता को मैंने बोला कि मैं बड़ौदा में आया हुआ हूँ तो मिल. तो अंकिता के पास ज्यादा टाइम नहीं था पर अंकिता मेरे को मिली. और उसके बाद मैंने क्रेजीनेस जो दिखाई है ना इसमें आपको बता नहीं सकता, अंकित आपको बताएगी. हिरेन ने इतने पागलपन किया है ना कि हिरेन पहले आता था, उसने मुझे बताया नहीं था, वो मुझे स्पेशल मिलना आता था. वो मुझे बोलता था कि उसके नानी के घर पे आया कुछ काम से तो फ्री हो तो अपने मिल सकते हैं. बट बहुत वो के बाद हिरेन ने बताया कि एक्चुअल में वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना आता. और ऐसा बहुत बार हुआ था, ऐसा कंटिन्यू एक वीक से तो ज्यादा चला ही था. एंड मैं उसको काफी ज्यादा वर्क में मेरी बिजी रहती थी तो कितनी बार ऐसा हुआ था कि मैं सिर्फ उससे 2 मिनट मिली हूँ एंड उसने मैंने उसको बोला था हाँ मैं आ जाऊंगी 5 बजे, 5:05 हो गया था और वो वेट करता रहता था एंड सिर्फ 2 मिनट हम लोग मिलते थे. एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि डायरेक्ट मुझे मेरे पापा लेने आए थे एंड देन फिर पापा के साथ में मैं जा रही थी तो सिर्फ उसने मुझे खिड़की से जाते हुए देखा था. बट फिर भी वो रोज आता था. वो इतनी क्रेजी वाली चीज, मैंने बोला तो पागल है क्या जब उसने मुझे बताया था तब. तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी, सब स्मूथ चल रहा था, बहुत ही अच्छा जा रहा था, वर्क अच्छा चल रहा था, हम लोग मिल रहे थे, सब कुछ सही था. पर एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मतलब हम लोगों की अच्छी बात हुई. अंकिता एक बार मेरे घर पे भी आई फॉर लंच. जनरली टिफिन घर से आता था या मैं घर से टिफिन लेके जाता था, ऐसा कुछ होता था. पर इस बार अंकिता भी घर पे आई थी और हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे फ्री टाइम में जब वर्क के बीच में स्पेस होता है. और अंकिता ने मुझे किया प्रपोज. कल हम दोनों का इनडायरेक्टली रिलेशनशिप जैसा ही था, मतलब कि एक दूसरे के केयर करना, एक दूसरे की बात करना. एंड मैं पहले से बहुत ज्यादा इस तरह का नेचर है मेरा का जो भी है ना वो मैं बता देती हूँ कि यार ऐसा है. तो मुझे ऐसा टाइम पास वाले रिलेशनशिप में रहना नहीं था कि हाँ चलो जब तक बात हो रही है तब तक ठीक है. तो मैंने एक दिन हिरेन ऐसे ही मुझे मिलना आया, मैंने हिरेन को सामने बैठा था और मैंने बोला यार ये सब तो ठीक है पर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, देख तू मुझे पसंद करता मैं तेरे को पसंद करती हूँ तो एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं देख लेते हैं. और मैंने उसको इस तरह से बात किया कि अपने रिलेशनशिप में आ जाता है. और हिरेन वॉज ब्लैंक, मतलब उस वक्त आते वक्त खुश था ये वो. जैसे मैंने उसको बोला रिलेशनशिप के बारे में वो टोटली ब्लैंक हो गया था. एंड
अब उसके मन में क्या चल रहा था तो आप उसी से सुन लो। देखो तो टेक्निकली ना आई रियली केयर्ड अबाउट अंकिता, और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे ना कमिटमेंट, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, ये वगैरह वगैरह, प्यार, फ्यूचर, कस्में, ये सब में ना भरोसा रहा नहीं था। तो आई वॉज मतलब बैकफुट पे आ गया था मैं, और मैं बोल रहा था ये अचानक क्या क्या हुआ। मतलब ये होता है ना कि पसंद है कोई इंसान, बट आई डोंट वांट उनके अच्छे के लिए कि तुम रिलेशनशिप में आओ या उनको हाँ बोलो। तो मैंने अंकिता के बारे में सोचा कि नहीं यार, आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन फॉर हर, ये मैंने सोचा था। और मैंने क्लियरली अंकिता को उस वक्त बोला कि आई डोंट थिंक ये सही है तेरे लिए। और मैंने देखो मुझे है ना उस वक्त वो सब आता नहीं था कि कैसे समझाते हैं, कैसे मनाते हैं और बातों को किस तरह से प्लेस करते हैं। तो मैंने कोशिश भी की घुमा फिरा के बोलने की, तो मैं ज्यादा अच्छा कर नहीं पाया वैसे। और मैं कुछ भी बोल रहा था मैंने अंकिता को, मुझे अभी भी याद है, मैं स्पेशली फिर जब नेक्स्ट डे अंकिता को मिलने के लिए गया, अंकिता का वही सवाल था। एंड मैं अंकिता को बड़ौदा में ही कहीं पे दूर जगह पे ले गया, सिंथ रोड की साइड, जिन लोगों को नहीं पता वो सर्च कर लेना। तो मैं वहां पे लेके गया, शांति वाली जगह, एक भी इंसान आसपास नहीं, कुछ भी नहीं, वहां पे पार्क की। और प्यार से अंकिता को मैंने इतने सारे रीजंस बताए ताकि वो मुझे रिजेक्ट कर पाए। मतलब प्रपोज भी वही करे और रिजेक्ट भी वही करे, मैं ये चाहता था। पर अंकिता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अंकिता बस लाइक ओके मुझे ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, तो जैसा है ठीक है वगैरह वगैरह। तो मेरा ना दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, जवाब अभी तक नहीं था कि भाई हम रिलेशनशिप में आए या नहीं। एंड देन शूट तो मैंने बोला चलते रहे, उसमें हमारा वर्क इफेक्ट नहीं हुआ था। फिर मैंने एक दिन सोचा कि एक दिन वर्क ऑफ लेता हूँ दो दिन के लिए, एंड मैं उसको ले गया माउंट आबू ट्रिप के लिए। पता है क्यों? ताकि मैं उसको और भी डार्क साइड ऑफ द चीजें मेरे बारे में बता पाऊं, सो दैट अंकिता ये डिसाइड करे कि उसको मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना, दोस्ती ही सही है। ये मैंने सोचा कि मैं अंकिता को इसलिए ले जाता हूँ। एंड देन मैंने अंकिता को बोला कि चल यार लेट्स गो माउंट आबू। तो हीरे ने मुझे बोला अपने जा रहे हैं माउंट आबू, कुछ लोकेशन देखना है। एंड उसने मुझे बोला नहीं था कि अपने ट्रिप पे जा रहा है, सो बोला कि कोई शॉर्ट फिल्म करनी है उसके लिए लोकेशन देखने जाना है। तो हम गए दो दिन के लिए माउंट आबू। एंड पहली बार मुझे कोई लड़का सबसे पहली बार ऐसे मंदिर में ले गया था। मुझे हीरेन का बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था कि वो मुझे पहली बार कोई टेम्पल में ले गया था। हमने अंबाजी टेम्पल पे दर्शन किया, हम लोगों ने जैसे अंबाजी टेम्पल के दर्शन वर्शन कर लिए और गुजरात की बॉर्डर क्रॉस किया और राजस्थान की बॉर्डर में एंटर हो रहे थे, और तब हुआ हमारे साथ सबसे पहला वाला कांड। और वो कांड ना गाइस बहुत ही फनी था, इमेच्योरिटी में हमसे वो गलती हुई। मतलब या बिकॉज कुछ ज्यादा ही यंग एज एंड पता नहीं क्या चला था, बॉर्डर क्रॉस हुई तो हम बहुत ही मस्ती मजाक करते करते हंसते हंसते जा रहे थे ट्रिप पे। एंड हमको वहां पे राजस्थान पुलिस ने रोका एंड मुझे उतार के पूछा कि तुम लोग ये कौन है। मैंने बोला कि अंकिता है, तो बोले कौन है तुम्हारी। तो जिस तरह से पूछ रहा था मस्ती में, मैंने बोला वाइफ है मेरी। मतलब क्या हो गया, जाने देखो क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने गलती से बोल दिया वाइफ है मेरी। अब पुलिस वाला बोलता है उतर नीचे। अब मैं को अलग से ले गया, अंकिता को अलग से, दूसरा पुलिस वाला क्रॉस क्वेश्चनिंग करा मेरे को पूछा कि बताओ अपनी फैमिली के बारे में, अंकिता को मेरी फैमिली के बारे में पूछा और कितने टाइम से शादी हुई है, वो सारे मैं जवाब दे रहा हूँ वो गलत, अंकिता जो जवाब दे रही है वो गलत। और पुलिस वालों को पता चल गया कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। या थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ पर समझाया एंड वो चीजें किसी भी तरह से सॉर्ट की हमने। एंड फिर माउंट आबू हम पहुंचे। बस उसके बाद मैं अंकिता को अलग अलग माउंट आबू की प्लेसेस पे लेके गया। एंड मेरे मतलब बचपन की मेमोरीज बता रहा था कि मैं यहाँ पे पिकनिक में आता था, मैं यहाँ पे जाता था, ये दुकान वाले मुझे पहचानते, मैंने मेरे स्कूल पे टीचर्स वगैरह को अंकिता से मिलवाया, फिर हॉस्टल ओनर को मिलवाया, बहुत सारे जो मेरे को पहचानते थे दोस्त वगैरह उनसे अंकिता को मिलवाया। एंड देन एक स्पॉट जब मैं अंकिता को पर्टिकुलरली दिखा रहा था, तब मैंने बोला कि यहाँ पे मैं जब छोटा था ना तब मैं आया था और यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ा था एंड यहाँ पे मेरे चश्मे खो गए, बहुत सारी मतलब इंसिडेंट्स बता रहा था इन शॉर्ट। एंड उस वक्त अचानक अंकिता घुटने पे बैठ गई। गाइस मैं आपको बता देती हूँ, देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे को रिलेशनशिप में एक ऐसा नहीं है कि कुछ नाम बिना का रिलेशनशिप, मुझे रिलेशनशिप को नाम देना था, एज अ फ्रेंड बन बन करके फिर वो फीलिंग रखना वैसा मुझे था नहीं। तो मैंने सोचा था ये बार मैं बंदे को है ना, ये मुझे हर टाइम बोल रहा था, दे रहा था कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और मैं ऑलवेज बिलीव करती हूँ कि आप दिल के प्योर हो और आप
मेहनत करते हो तो आपका एफर्ट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों देख करके सामने वाला चेंज होगा, मैंने ऐसा सोचा था। और मैंने उस वक्त सोचा था हिरेन को कि ये मैं लास्ट टाइम में बंदे को बोल रही हूँ कि अपने रिलेशनशिप को नाम देना चाहिए, और एल्स फिर ओके फाइन फिर हम लोग की चैटवेट बंद हो जाएगी, कोई चैटवेट नहीं होगी, सिर्फ और मैं काम करेगा और मैं काम करूंगी, दैट्स इट। मैं आपको बताऊं, अंकिता घुटने पे बैठ गई, वहां पे पब्लिक घूर रही है, मेरा कजिन अचानक कैमरा देख के सोचे ये क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर रही, ये बैठ गई है घुटने पे और इसने कर दिया फिर से प्रपोज, और ये बोल रही है अब मैं नहीं उठूंगी जब तक तू हाँ या ना दोनों में से एक नहीं बोलता। बाद में नहीं, मैंने बोला हाँ या ना इस हाँ। बार या उस बार दो में से एक वर्ड हो जाना चाहिए। तो फिर मैंने अंकिता को बोला रुक जा, एक्चुअली हमने कार पार्क कर दी थी बाइक रेंट पे लेके हम घूम रहे थे, बिकॉज माउंट आबू में हम जनरली ऐसा ही करते हैं कि बाइक पे घूमने के बहुत मजा आते हैं। फिर मैं बाइक को है ना पत्थरों पे से चढ़ा के वो वाले स्पॉट पे खड़ी की, क्यों पता नहीं, बस हमको हमने बोला बस खड़ी रखनी है वहां पे, हमने कुछ फोटोग्राफ लिए। मैंने बोला फाइन ठीक है चलो लेट्स गो फॉर इट, कर डन, चलो प्रपोज का मैंने जवाब फाइनली इसको हाँ दे दिया एंड वी स्टार्टेड आवर रिलेशनशिप। इसके बाद आगे क्या हुआ हम घर पहुंच के बताते हैं। तो उसके बाद गाइस बताऊं ना, तो रिलेशनशिप वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, पर जैसे मैंने बोला मेरे पास एक्सपीरियंस के बाद तो मेरा नेचर बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था, बट उसके बाद रिलेशनशिप में आ ही गए, उसके बाद भी मेरे से काफी बार गलतियां हुई हैं। मैं मानती हूँ कि हर इंसान से आप चाहो कि अब भी रिलेशनशिप में आ गए और सडनली कल से वो एकदम सीधा हो जाए, आप जैसा चाह रहे हो वैसा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान फोर्स से चेंज नहीं होता है, सिर्फ अगर तुम फोर्स करोगे किसी चीज के लिए तो वो झूठ बोलेगा, सामने वो नहीं हाँ, होगा। या छुपाएगा या झूठ बोलेगा, उनको अगर मौका मिलेगा तो उनको जो करना है वो करेंगे। इंसान बदलता है जब वो खुद चाहे अंदर से, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। मेरी कोई भी कैसी भी अच्छे से अच्छे गंदे से गंदी गलती क्यों ना हो, अंकिता कभी छोड़ के नहीं गई, झगड़ा किया है, झगड़ा किया, झगड़ा मतलब कुत्तों की तरह झगड़ा किया है। हर रिलेशन में झगड़ा तो जरूरी है, झगड़ा होना, तो मुझे ऐसा लगता है जब भी हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ ना उसके बाद हम दोनों की बॉन्डिंग और बढ़ गई हाँ। मेरे हिसाब से ये जो कंसिस्टेंट मेरे साथ रही ना उस चीज की वैल्यू करते हुए मुझे ऐसा अंदर से मन किया कि नहीं यार नाउ इट्स हाई टाइम आई शुड चेंज। ब्रेकअप हर चीज का सोल्यूशन नहीं है, जब तक मैं ये मानता हूँ कि ब्रेकअप से जितना ये वर्ड से ही दूर रहोगे ना, अगर एक दूसरे को बोलोगे नहीं ना गुस्से में, ब्रेकअप या सोचोगे नहीं ना। काफी बार ये होता है कि कपल्स धमकी देने के लिए कि यार मैं जैसे ब्रेकअप कर रही हूँ ताकि सामने वाला इंसान सुधरे या चेंज हो या ऐसा कुछ, इसलिए धमकियां देते हैं। पर मेरे ख्याल से ये चीजें ना और वीक होती जाती है और तुम ब्रेकअप की तरफ और झुकते जाते। हम दोनों का ऑलवेज से ऐसा था कि हम दोनों फैमिली में पैसे हो, फैमिली से पैसे नहीं लेंगे हम लोग, हम लोगों ने ऐसी लाइफ भी गुजारी है ना। अरे जेब में 10 रुपए हो या 10,000 है, 10 लाखों का फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हुआ है कि हिरेन अहमदाबाद से बड़ौदा मुझे मिलने के लिए बस में आया था, मतलब मेरे पास उस वक्त गाड़ी नहीं थी और मेरे को मिलना था क्योंकि फेस्टिवल था, ठीक है। तो अंकिता को स्पेशली मैं बस में मिलने के लिए गया था। एक दूसरे के साथ झगड़ने के बावजूद साथ में रह के हमने रिलेशनशिप को वहां तक पहुंचाया जहां पे आज है। ऑलवेज ट्राई के छोटी छोटी चीजों में हैप्पीनेस ढूंढो। यस, एक्चुअली छोटी चीजों में ही ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है, ये मेरा मानना नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। और जितना बच्चा बन के रहोगे ना उतना खुश रहोगे। बोरिंग कपल मत बनो, बस दैट्स इट। बोरिंग कपल बनोगे ना तो एक दूसरे से बोर हो जाओगे, एक दूसरे से बोर हो जाओगे तो बाहर एंटरटेनमेंट आपको देखने मिलेगा और उससे आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। कपल में फ्रेंडशिप सबसे ज्यादा जरूरी। अगर आप चाहते हो कि हमारी YouTube जर्नी के ऊपर हम वीडियो बनाए कि हमने कैसे स्ट्रगल किया, क्या क्या गलतियां की, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, सक्सेस एंड ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए इन YouTube, अगर आप चाहते हो अब हमारी YouTube जर्नी के ऊपर हम वीडियो बनाए तो श्योर हमको कमेंट करना, हम आएंगे लाइव कल रात को, तो स्टे ट्यून मेन चैनल पे आएंगे। हमने ये सोचा था कि लव स्टोरी का जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब तक सोच के रखना है कि हम यहां बैठे बैठे एक दूसरे को कुछ भी ऐसा चीज देंगे या डेयर देंगे जो हमको करना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक चीज, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, जो चीज हिरेन पागल जितना फैन है, हमेशा उसकी चीजों के अंदर वो चीज आती रहती है। मैं फैन हूँ किस चीज का? हाँ मतलब तू एक्चुअल में प्रैंक में इसका फैन है, ये है पीनट बटर, इसका मुझे क्या करना, मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरा गला बिगड़ जाएगा। हिरेन को चेहरे पे लगाना है, हैं? मैं लगा देती हूँ। नहीं, मेरा डेर कौन सुनेगा? नूडल खानी है? नहीं। तो इस पूरे बाउल को तुझे तेरे सर पे उल्टा करना है। तुझे मेरे हेड से क्या प्रॉब्लम है? राम भगवान जय माता दी। चल मैं लगा लेता हूँ पीनट बटर, ठीक है? ओके गाइस, इसके मुंह में मैंने ठूसी ताकि थोड़ा सा ज्यादा लगे। और ये मैंने प्लान किया था सिर्फ सो दैट हमको हमारा लव स्टोरी टाइप का थंबनेल मिल जाए। ये काम करवा रहा है ये लड़का मेरे, ऐसे सच्चे होता नहीं।
एनीवेज गाइस, ये था हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, एंड रेगुलरली हमारे डेली व्लॉग्स को सपोर्ट करते रहना और गिव अवे के जो विनर्स हैं मैं लगभग कल या परसों तक अनाउंस कर दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय गाइस।